और जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण सांसद रामचरण बोहरा कर रहे हैं। निरीक्षण अजमेरी गेट से शुरू कर दिया गया है। गेट पर कचरा दिखते ही उन्होंने तुरंत नाराजगी जताई, कहा स्मार्ट सिटी की सड़कों पर कचरा ही कचरा है। अजमेरी गेट पर बंद पड़े फाउंटेन को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। तो स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। सांसद रामचरण बोहरा आज निरीक्षण के लिए निकल चुके हैं अजमेरी गेट से। इस निरीक्षण की शुरुआत की गई और शुरुआत होते ही उन्होंने नाराजगी भी जाहिर कर दी है, क्योंकि जगह जगह पर अव्यवस्थाएं देखने को मिली, कचरा देखने को मिला और इसे देखते हुए सांसद नाराज नजर आए। उन्होंने फटकार भी लगाई, कहा कि स्मार्ट सिटी की सड़कों पर कचरा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अजमेरी गेट पर जो फाउंटेन है वो भी बंद पड़ा हुआ था, इसे लेकर भी सांसद रामचरण बोहरा ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की अव्यवस्थाएं जो हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर, स्मार्ट सिटी के कार्यों के लिए निरीक्षण किया जा रहा है। इस वक्त ये सीधी तस्वीर जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। सांसद रामचरण बोहरा सुबह सुबह सड़कों पर निकले हुए हैं। ठंड काफी ज्यादा है, बावजूद इसके सांसद सड़कों पर निकले हुए हैं और कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। और महेश दाधीच सीधे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास चलेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। महेश, सांसद सड़कों पर निकले हुए हैं लेकिन निकलते ही निरीक्षण के शुरुआत में ही अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए जयपुर स्मार्ट सिटी जो जयपुर शहर के अंदर जो विभिन्न विकास कार्यों को अंजाम दे रही है वो किस तरह की उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इसी का आज दौरा करने के लिए सांसद रामचरण बोहरा निकले हैं पूरी टीम के साथ में और तमाम जयपुर स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद हैं। सर, अजमेरी गेट से आपने दौरे की शुरुआत करी है, क्या क्या चीजें अभी आपने देखी और क्या चीजें आपको लगता है कि अभी जिन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है? माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो कंसेप्ट था भारतवर्ष में 100 शहरों को स्मार्ट के रूप में डेवलप करने का, उसी तर्ज पर राजस्थान का 4 स्मार्ट सिटियों को लिया गया है। जयपुर भी है, अजमेर भी है, कोटा भी है, उदयपुर भी है। काफ़ी समय से अधिकारी से बात भी हो रही है और विगत 4 साल में जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का काम होना चाहिए था वो एक नगण्य के रूप में काम देखने को मिल रहा है। आज सवेरे से जो स्मार्ट रोड किशनपोल बाजार बना है उसमें चाहे फसाड एरिया हो, चाहे गार्डन का एरिया हो, चाहे हमारे हेरिटेज लुक का हो, चाहे हेरिटेज वॉक हो, हर जगह पर गंदगी के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो काम किया गया वो टूट फूट में नज़र आ रहा है। अधिकारियों को कई बार कहा गया पर अधिकारियों को न मालूम सरकार का किस तरह का दबाव है, अधिकारी प्रॉपर काम कर नहीं पा रहे हैं। अभी आज अधिकारियों से को लेकर आज स्मार्ट सिटी का निरीक्षण करने का काम मैंने यहाँ की स्थानीय विधायक को भी आज निमंत्रित किया था कि आप भी आइए, पर सरकार की मजबूरी के कारण वो नहीं आ पाए। मेयर भी नहीं, महेश जोशी को और मेयर को भी मैंने कहा है, मेरे ऑफिस से फ़ोन करवाए हैं मैंने, नगर निगम के सीओ को भी फ़ोन कराया। नगर निगम का सीओ तो इतना न्यूसेंस क्रिएट कर रखा है, न तो वो फ़ोन उठाता है, न कहीं मीटिंग में आता है, न कोई बात होती तो उसको सुनाई होती है। इस प्रकार का जो दो लोगों की कुर्सी की खींचतान में हर अधिकारी एक आलम में मस्त हो रहा है, हर विधायक आलम में मस्त हो रहा है। कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे इस मामले में? आज मैं पूरा दौरा कर रहा हूँ। अभी इन्होंने कहा है अधिकारियों ने कि हमारे को 7 दिन का मौका दिया जाए तो 7 दिन का मौका और देंगे, फिर 7 दिन या 15 दिन के बाद में दोबारा विजिट करके और फिर भी इसी तरह का अगर मिला तो फिर इसके बाद में कोई इनके खिलाफ एक्शन करने का काम करेंगे। करोड़ों का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर लगातार जो डेडलाइन है वो आगे से आगे बढ़ाई जा रही है। 2024 तक सारे काम हो जाने चाहिए थे लेकिन वो समय पर नहीं हो पाए। आपको लग रहा कि लेट लतीफी जो है आम जनता को बहुत नुकसान दे रही है? देखिए, जनता का पैसा है और जनता की सुविधा के लिए डेवलपमेंट के काम माननीय मोदी जी ने आम जन की सुविधा के लिए दिए और जयपुर गुलाबी नगरी है और कैपिटल का क्षेत्र है। अगर कैपिटल में भी इस तरह की जो शिथिलता नजर आ रही है तो मैं समझता हूँ कि और दूसरा जगह नहीं। मैंने अभी अधिकारियों का
कि आज इंदौर हर बार पहले नंबर के स्थान पर आता है। आप इंदौर का अपने अधिकारियों को साथ ले जाकर दौरा करिए, वहाँ जिस तरह का जो सहयोग व्यापारियों के साथ सहयोग लिया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जा रहा है, उन जनप्रतिनिधियों के सहयोग के माध्यम से जयपुर सफाई की बात करें सर तो ग्रेटर की भी बात कर लेता हूँ। वहाँ पे तो बीजेपी का बोर्ड है, तो ऐसे में क्या वहाँ पर सुविधाएं और संसाधन ठीक हो गए हैं क्या? आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ ग्रेटर में बीजेपी का बोर्ड है, पर सरकार काम नहीं करने दे रही। आपने देखा होगा कि मेयर को अपदस्थ किया गया, पार्षदों को अपदस्थ किया गया, और केवल अधिकारी मेयर अगर जाकर किसी अधिकारी से बात करती है, मैं अगर किसी जाकर अधिकारी से बात करता हूँ, तो फिलहाल तो इसका मतलब